subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल बंद हुआ है 7086 पे, लगभग 52 रुपीस गेन के साथ, लगभग 1% अप। अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो ये इस महीने हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 10% डाउन। और यहाँ जो है तो हमने लो देखा था 7000 के नीचे, यहाँ जो करेक्टिव टारगेट था, पहला करेक्टिव टारगेट वो अचीव कर लिया है क्रूड ने। अब इसके नीचे अगर स्लिप होता है तो आपको 6000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है वो 5000 के अराउंड है, तो वो भी टारगेट मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग चालू है ऑन लार्जर टाइम फ्रेम। लास्ट मंथ हमने 6.5% का लॉस देखा था, उससे पहले लगभग 7% का ड्रॉप हमने क्रूड ऑयल में आते हुए देखा था। तो ये लगभग थर्ड मंथ होगा जिसमें क्रूड ऑयल जो है तो लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ जो है मंथली चार्ट पे ये करेक्टिव पैटर्न है क्लियरली, और हम जो है तो धीरे धीरे 6000 और 5000 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देखोगे इस वीक हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 10% डाउन, लगभग 750 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल फॉर द वीक। और अगर 7000 का लेवल टूटता है तो 6000 के अराउंड जो है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा क्रूड का, और उसके नीचे जाते हैं तो जो आप देख रहे हो 200 वीक का जो एवरेज है वो 5000 के अराउंड है, तो वो फाइनल टारगेट रहेगा इस करेक्शन का। तो यहाँ फ्रॉम मीडियम टर्म व्यू ऑल्सो जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज रहेगी। वोलेटिलिटी यहाँ बरकरार रहेगी, आपको जो है तो बड़ी रेंज देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल जो है तो 3-5% की डेली रेंज दिखा सकता है ऑन न्यूज फ्लो, मगर यहाँ जो है ऊपर की तरफ क्लियरली अभी 8000 से लेकर 8500 जो है तो रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, और नीचे 7000, 6000 और 5000 के सपोर्ट जोन है, उनको टेस्ट करने के लिए क्रूड ऑयल जो है तो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा है। यहाँ ऑलरेडी हमारा जो टारगेट है वो 7000 का अचीव हो चुका है। अभी यहाँ जो है तो एक बाउंस बैक आ सकता है, अगर बाउंस बैक आता है तो उसको सेलिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 6000 के अराउंड रहेगा क्रूड ऑयल के लिए इन मीडियम टर्म। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो हम 200 डेज का जो एवरेज है उसके नीचे स्लिप कर चुके हैं, तो यहाँ से एक अच्छी खासी ब्रेकडाउन रैली बन सकती है। अगर क्रूड ऑयल 7350 या 7400 के अराउंड आता है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट जाना चाहिए क्रूड ऑयल में, 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट रहेगा आपका वो 6500, और उसके बाद में जो है तो 6000 की भी टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमने जो है तो 200 डेज का जो एवरेज तोड़ दिया है, तो उसके बाद जो है तो ब्रेकडाउन रैली आपको शार्प देखने को मिल सकती है निचले लेवल पे, और जिसके टारगेट रहेंगे 6500 से लेकर उसके बाद में 6000 तक भी क्रूड ऑयल जा सकता है। ऊपर की तरफ 7350, 7400 ये लेवल रहेगा फ्रेश सेलिंग करने के लिए। स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का 7600 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट, फर्स्ट टारगेट 6500, उसके बाद में 6000 का भी टारगेट क्रूड ऑयल जो है तो शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो ये क्लियर कट शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अभी जो है तो बेरिश हो चुका है, और यहाँ एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। और जिनके पास भी अगर ऊपरी लेवल पे शॉर्ट है तो उन्हें जो है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ क्रूड को होल्ड करना चाहिए। 6500 और 6000 के अराउंड जो है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यहाँ जो है तो क्लियर कट बायस जो है तो नेगेटिव साइड पे है, स्ट्रैटेजी रहेगी सेल ऑन राइज। सेलिंग का जो लेवल है वो 7350, 7400, स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का, टारगेट 6500, और 6500 जैसे ही टूटेगा आपको 6000 के भी लेवल जो है तो क्रूड ऑयल में आते हुए दिखेंगे इस सीरीज में। वहाँ से फिर बाउंस बैक आ सकता है, जो बाउंस बैक आएगा उस बाउंस बैक के जो टारगेट रहेंगे वो फिर 7000 के अराउंड रहेंगे, मगर मुझे लगता है कि जो ब्रेकडाउन है और ये फ्रेश ब्रेकडाउन है तो आपको एक अच्छी खासी जो है तो फ्रेश सेलिंग प्रेशर आपको क्रूड ऑयल में आता हुआ दिखेगा, जिसके डाउनसाइड टारगेट रहेंगे। तो हमने डेली चार्ट पे देखा यहाँ क्लियर कट ब्रेकडाउन है, यहाँ आपको सेल ऑन राइज टारगेट 6500, 6000। वीकली चार्ट पे भी करेक्टिव पैटर्न है, 7000 का टारगेट अचीव हो चुका है, 6000 और 5000 के तरफ हम धीरे धीरे
बढ़ेंगे। मंथली चार्ट पे भी थर्ड लूजिंग मंथ है और मंथ के शुरुआत में ही हमने 10% का लॉस ऑलरेडी कोडोए में देख चुके हैं। यहाँ जो है तो आपको आने वाले समय में 6000 और 5000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी एट पीक रहेगी। न्यूज फ्लो पे आपको जो है तो क्रूड ऑयल जो है तो रैंडमली एक बड़े बड़े बाउंस बैक देते हुए भी दिखेगा, तो उस बाउंस बैक को आपको जो है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना है। और यहाँ जो है तो मोस्टली आपको जो व्यू रखना है मोस्टली ऑन बेरिश साइड और सेल ऑन राइज जो स्ट्रैटेजी वो आपको फॉलो करनी है। रेजिस्टेंस के अराउंड अगर क्रूड ऑयल आता है तो आपको शॉर्ट करके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं आपके मार्केट में। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कमोडिटी कॉल चाहिए इन लाइव मार्केट विथ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।